चुनाव में धांधली करने वाली बीजेपी हुई एक्सपोज। सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने हाथ जोड़कर मांगनी पड़ी माफी। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की हुई गजब फजीहत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उधेड़ दी मोदी सरकार की बखिया। अपने फैसलों से बैक टू बैक दे रहे मोदी सरकार को करारा झटका। मोदी सरकार को घुटने पर लाकर कर दिया है खड़ा। कोर्ट में मांगनी पड़ रही माफी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली कर मोदी सरकार ने अपने उम्मीदवार को था जिताया। रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव बनवा कर चुनाव के फैसले को पलट दिया गया था। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटर को किया गया था रद्द, लेकिन कैमरे में पकड़ी गई थी रिटर्निंग ऑफिसर की गड़बड़ी। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट में मांगनी पड़ी है माफी। ये पूरा मसला क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है पूरा मामला, जब चंडीगढ़ के लिए मेयर चुनाव हो रहे थे उस दौरान अनिल मसीह ने बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ की थी। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हारा हुआ घोषित कर दिया था। इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था जिसमें अनिल मसीह कैमरे की ओर देख रहे थे और कागजों पर कुछ लिख रहे थे, जबकि उनके पास ऐसा कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। बाद में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इसी फुटेज के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना था चुनाव में अनिल मसीह ने गड़बड़ी की है और बीजेपी उम्मीदवार को जिताया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुलदीप को बकायदा मेयर घोषित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनिल मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर ने माफी मांगी है। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने मांगी माफी। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए अनिल मसीह के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है वह माफी मांगते हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा जल्द अनिल मसीह एक एफिडेविट दाखिल करेंगे, उसमें माफीनामा भी होगा। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में की जाएगी। सीजीआई चंद्रचूड़ ने लगाई थी रिटर्निंग ऑफिसर को लताड़। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए कहा था ये लोकतंत्र का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या हुई है। कोर्ट ने पूछा था कि रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है, हम नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो और हम ऐसा नहीं होने देंगे। वायरल वीडियो पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूछा था रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है और कैसे नियुक्त होता है। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से सवाल पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने कोर्ट में कहा था वहां कैमरे की ओर बहुत शोर था इसलिए मैं वहां देख रहा था। कोर्ट ने पूछा कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर एक्स मार्क लाया या नहीं। मसीह ने कहा था कि हां मैंने 8 पेपर पर लगाए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने आकर बैलेट पेपर झपट लिए और फाड़कर फेंक दिया था। लेकिन अब जो है तो आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार खुलकर तानाशाह बुद रही है? अगर एक मेयर के चुनाव में बीजेपी सत्ता जा सकती है तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश में लोकसभा का चुनाव होगा तो वो जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, और इसलिए ईवीएम भी पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट की पूरी पर्ची की गिनती हो, जबकि चुनाव आयोग इसके लिए तैयार नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अब सख्त एक्शन लिया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर भी मोदी सरकार को एक बड़ा झटका दे सकते हैं? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।